दोस्तों ऐसा लग रहा है कि इंडिया की स्टेट ओन्ड एरोस्पेस और डिफेंस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और इंडिया की प्रीमियर डिज़ाइन एंड नोडल एजेंसी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के बीच एक कंपटीशन चल रहा है, जो दोनों कंपनी से एक दूसरे के साथ कंपीट कर रही हैं इंडिया के नए ट्विन इंजन नेवल फाइटर जेट की डिज़ाइनिंग और डिवेलपमेंट के लिए। ऐसा पहली बार है कि HAL ने एक नए फाइटर जेट को डिज़ाइन करने में भी इंटरेस्ट दिखाया है। इससे पहले HAL सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में इंटरेस्ट दिखाता था, और इसके बाद ये उम्मीद है कि दोनों एजेंसीज के बीच कंपटीशन बढ़ जाएगा। इससे पहले HAL ने 60s में HF-24 फाइटर जेट को डिज़ाइन किया था, जिसे कि एक जर्मन एरोस्पेस इंजीनियर कर्ट टैंक की लीडरशिप में डेवलप किया गया था। लेकिन 80s में ADA को LCA प्रोग्राम की नोडल डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट एजेंसी बना दिया गया था। तब HAL ने तेजस प्रोग्राम के लिए नोडल एजेंसी बनने से मना कर दिया था और इस प्रोग्राम के लिए एक डेवलपमेंटल एजेंसी बन गई थी। इससे पहले ही ADA और HAL के बीच में तकरार हुई है। HAL ने तेजस मार्क 1 एयरफ्रेम को एक अपग्रेडेड मार्क 1 ए फाइटर जेट की डेवलपमेंट के लिए प्रपोज किया था, जिसके लिए 83 यूनिट्स का कॉन्ट्रैक्ट जल्द ही साइन हो जाएगा। इसके बाद ADA ने मार्क 1 ए फाइटर जेट को HAL की इंटरनल डेवलपमेंट कहा था, और ऐसा कहा था कि हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, और उसने इस फाइटर जेट प्रोग्राम से बाहर रहने का फैसला लिया था। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि हम इसके लिए कोऑपरेट करेंगे, और उसने अपनी न्यूली डेवलप्ड डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर को इस प्रोग्राम के लिए शेयर किया है। इस फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर को ADA ने तेजस मार्क 2 प्रोग्राम के लिए डेवलप किया था। इससे पहले ADA ने कुछ दिनों पहले ऑर्का ओमनी रोल कॉम्बेट एयरक्राफ्ट के अर्ली रेंडर्स शेयर किए थे। ये एक प्रपोज्ड ट्विन इंजन फाइटर जेट है, जिसे कि नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशंस के लिए डेवलप किया जा रहा है। ये एयरक्राफ्ट MiG-29 फ्लीट को रिप्लेस करेगा। ADA ने इंडियन नेवी और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से इस एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट कॉस्ट को कवर करने के लिए तकरीबन 13,000 करोड़ रुपये मांगे हैं। लेकिन अब HAL ने भी इसके लिए एक प्रपोजल देने का सोच लिया है, तो इंटरेस्टिंग होगा कि कौन सी एजेंसी बेटर प्रपोजल्स और डिज़ाइंस के साथ सामने आती है। HAL इससे पहले LCA तेजस ट्रेनर जेट के एक स्पिन ऑफ प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहा है, और इसके साथ ही वो अपने सुपरसोनिक ओमनी रोल ट्रेनर एयरक्राफ्ट के ऊपर भी काम कर रहा है, जो कि एक नेक्स्ट जनरेशन फाइटर ट्रेनर होगा। ये एयरक्राफ्ट LCA तेजस ट्रेनर के एयर फ्रेम के ऊपर बेस्ड होगा। ADA तेजस मार्क 2 और फिफ्थ जनरेशन AMCA फाइटर प्रोग्राम के लिए नोडल एजेंसी बनी हुई है, लेकिन ADA ने AMCA प्रोग्राम से HAL को दूर रखने के लिए बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए हैं, और इससे ऐसा लग रहा है कि एक हेल्थी कंपटीशन दोनों कंपनीज के बीच बढ़ रहा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।